नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल चंदेल। करीब 9 महीने से लापता रायपुर पुलिस की महिला कांस्टेबल अंजना साहिस यूपी के वृंदावन में फूल बेचती हुई नजर आई। अपने परिजनों और वरिष्ठ अधिकारियों से परेशान होने के बाद अंजना अचानक लापता हो गई थी। वहीं अंजना साहिस के वृंदावन में फूल बेचने की जानकारी मिलने के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम उन्हें लेने पहुंची, लेकिन महिला ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद रायपुर पुलिस को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। दरअसल रायपुर शहर में तैनात अंजना साहिस को करीब 9 महीने पहले पुलिस मुख्यालय में CID विभाग में भेज दिया गया था, जिसके बाद वो एक दिन लापता हो गई। काफ़ी खोजबीन के बाद भी अंजना का उस वक्त पुलिस को पता नहीं लग सका। इसके बाद उनकी मां ने 21 अगस्त को बेटी के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस अंजना तक इसलिए भी नहीं पहुंच पा रही थी क्योंकि उसने मोबाइल इस्तेमाल करना भी बंद कर दिया था। पुलिस को बैंक से उसके ATM इस्तेमाल करने के लोकेशन की जानकारी मिली और जब टीम उसे ढूंढते हुए वृंदावन पहुंची तो महिला कांस्टेबल को फूल बेचते हुए देखकर हैरान रह गई। बता दें महिला कांस्टेबल वहाँ कृष्णा मंदिर के बाहर फूल बेच रही थी। पुलिस टीम ने जब उससे साथ चलने को कहा तो महिला कांस्टेबल अंजना साहिस ने लौटने से इनकार कर दिया और कहा कि अब उसे यही मन लगता है और वो वापस अपने घर नहीं जाएगी। आपको बता दें महिला कांस्टेबल ने कहा कि अब ना मेरा कोई परिवार है और ना ही कोई रिश्तेदार। जानकारी के मुताबिक अंजना साहिस नौकरी के दौरान कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से परेशान थी और अपने साथी कर्मचारियों से इसकी चर्चा भी की थी। ड्यूटी को लेकर उसके परिवार में भी मतभेद थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बन रही है वन इंडिया हिंदी के साथ।